हेलो दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप यूरोप सस्ते में कैसे घूम सकते हो। ऐसा नहीं कि बहुत जो रिच लोग हैं बस वही यूरोप घूमना अफोर्ड कर सकते हैं। कोई भी यूरोप घूम सकता है, कोई भी ठीक ठाक सी सैलरी वाला। बस कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। इस वाले वीडियो में मैं आपको टोटल 14 पॉइंट बताने वाला हूँ, 14, कि आप इन सारी बातों का ध्यान रखें, फिर देखो यूरोप ट्रिप कितनी सस्ती होती है। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। आप इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी पूरी बात समझ में आएगी। अगर आपको शेंगेन वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन करवानी हो तो मुझसे करवा सकते हो। और अलग अलग सिटीज़ में कैसे घूमना है, इसके लिए आपको मुझसे टूर गाइडेंस चाहिए, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं इस वक्त जिस बहुत ब्यूटीफुल टाउन में घूम रहा हूँ, इसका नाम है असीसी। ये इटली के उम्ब्रिया रीजन में आता है। मैंने 14 पॉइंट बताए, तो जो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है ट्रिप को सस्ता करने के लिए, मेरी एडवाइस है, बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आपको ठीक लगे। टूर पैकेज नहीं लेना चाहिए। जो ट्रिप आपकी बहुत सस्ती हो सकती है टूर पैकेज लेने के कारण, क्योंकि बीच में बहुत सारे मिडिल मैन आ जाते हैं, तो वही ट्रिप आपकी बहुत महंगी हो जाती है। अब एग्जैक्ट फिगर्स बताना तो मुश्किल है, लेकिन कम से कम 2 गुना खर्चा हो जाता है। जैसे मान लो आप 15 दिन के लिए यूरोप आ रहे हो, तो मेरे अंदाज़ा है कि 2 लोगों की ट्रिप बड़ी आसानी से करीब 4 लाख रुपये में हो सकती है। 2 लोगों की 15 दिन की 4 लाख, चलो ज़्यादा कर देते हैं 4.5 लाख। लेकिन आप खुद ही पता लगाओ कि अगर आप टूर पैकेज ले रहे हो तो वही ट्रिप आपको कितने की पड़ रही है। मुझे उम्मीद है कि बहुत महंगी पड़ेगी, तो इसलिए टूर पैकेजों से तो आप बचो, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आप इस तरह के पर्सन हो जिनको टूर पैकेज ही सूट करते हैं तो चलेगा, लेकिन हाँ, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो मैं कहूँगा कि टूर पैकेज लेने में कोई बुराई नहीं है। यूरोप ट्रिप सस्ती करने के लिए जो दूसरा एडवाइस है वो है कि आप फ़्लाइट जितना एडवांस में करा लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। वैसे तो ये बात सभी को मालूम है, लेकिन आपको पॉपुलर रूट्स पता होने चाहिए जहाँ पे आपको इन कंपैरिजन थोड़ी सस्ती फ्लाइट। तो पहला है पेरिस, दूसरा है रोम, मिलान, फ्रैंकफर्ट। अगर आप अपना यूरोप में एंट्री या एग्जिट अगर आप इन सिटीज़ से रख रहे हो, तो इन कंपैरिजन टू जो ज़्यादा ऑफ बीट सिटीज़ हैं इंडिया के लिए, उनके मुकाबले आपको ज़्यादा सस्ती फ्लाइट मिल जाएगी। आपकी यूरोप की ट्रिप का अगला मेजर खर्चा है होटल का। होटल के लिए यूरोप में सबसे अच्छे 2 ऑप्शन हैं, एक तो booking.com और एक Airbnb ऐप। दोनों अच्छे हैं, दोनों पे आपको अच्छे होटल मिलेंगे, लेकिन जहाँ booking.com यूज़ करने के लिए और ओवरऑल एक्सपीरियंस के लिए ज़्यादा बेहतर है, तो वहीं Airbnb पे आपको कंपैरेटिवली थोड़ी सस्ती प्रॉपर्टी मिल जाएंगी एज़ कम्पेयर टू booking.com। स्पेशली अगर आप स्विट्ज़रलैंड के लिए होटल देख रहे हो, तो booking.com पे तो आपको बेहद महंगे होटल मिलने वाले हैं, लेकिन वही अगर आप Airbnb पे देखते हो तो उस पर आपको स्विट्ज़रलैंड के लिए, तो स्पेशली क्योंकि इंडिया से काफ़ी लोग जाते हैं, आपको थोड़ी सी सस्ती प्रॉपर्टी मिलेंगी। देखो, यूरोप ट्रिप पे जो अगला बड़ा खर्चा आपका आता है वो है फूड का। तो इसके 2 ऑप्शन हैं आपके पास, या तो आप बाहर बैठ के खाना खाओ, डाइन आउट करो, या फिर आप सुपरमार्केट से लो। तो अगर आप बाहर खाते हैं खाना, तो वैसे तो खाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे काफ़ी महंगा पड़ता है, और आपको खाली बैठ के खाने का आप अलग से 3 यूरो, वो डिपेंड करता है अलग अलग जगह, प्लेस टू प्लेस, लेकिन कहीं पे 3 यूरो, कहीं 2.5 यूरो, कहीं 1.5 यूरो, ये आपको टेबल चार्जेस अलग से देने पड़ते हैं। और जब इसे रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं और ये पर पर्सन होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बैठता है। तो एक ऑप्शन तो है ये। दूसरा ऑप्शन है कि आप सुपरमार्केट से जितना ज़्यादा हो सके उतनी चीज़ें खरीद लें, ताकि आपको दोनों टाइम बाहर ना खाना पड़े। स्पेशली नाश्ता तो आप अपने होटल रूम में कर लें, या तो ब्रेकफास्ट आपका इंक्लूडेड हो जो आपने होटल चुना है उसमें, या फिर आप अपने रूम में ही बना लो। तो सुपरमार्केट में क्या क्या मिलता है, देखो, आपको योगर्ट मिल जाएगी, मूसली, और उसमें मिलाने के लिए कॉर्नफ्लेक्स, दूध की बोतल मिल जाएंगी, और एग्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जो नूडल्स हैं, पास्ता हैं, और तमाम बिस्किट और ब्रेड, तमाम जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये सारी आपको मिल जाएंगी। तो आपको घर से सामान लाद के लाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ऐसी चीज़ें लाओ जो आप यहाँ से खरीद के, जिनकी मदद से आप यहाँ से सामान खरीद के उन्हें बना सको। जैसे एक इलेक्ट्रिक केटल ले आओ, तो यहाँ आपको उसमें चाय बना सकते हो। कैसे, सुपरमार्केट से दूध खरीद लिया, टी बैग उसमें मिला लिया, शुगर भी सुपरमार्केट से मिल जाएगी, चाय बन गई। फिर आप राइस बॉयलर ले आओ, राइस चाहो तो थोड़े से घर से ले आओ, या वो भी सुपरमार्केट से ले आओ, वो भी रूम में बन जाएंगे। नूडल आपको सुपरमार्केट में मिल जाएंगे, तो वो आप इलेक्ट्रिक केटल में बना सकते हो। इसके अलावा जैसे कि एग बॉयलर है, काफ़ी काम की चीज़ है, हर सुपरमार्केट में, जैसे इटली में एलिमेंट्री बोलते हैं सुपरमार्केट को, तो जो एग्स हैं वो आप एग बॉयलर में लगाओ, 5 मिनट या 7 मिनट के अंदर आपके एग बॉयल होकर रेडी
रूम में बैठ के खा लो। इसी तरह ब्रेड सेकने के लिए जो एक ब्रेड टोस्टर होता है वो ला सकते हो अपने साथ। तो इस तरीके से एक टाइम का ही खाना आपको बाहर खाना पड़ेगा, और सुबह का नाश्ता पेट भर के और ज़्यादा न्यूट्रिशियस आप खा सकते हो। वरना अगर बाहर खाओगे तो वही ले दे के पिज़्ज़ा ही खाते रहोगे, दिन रात पिज़्ज़ा भी नहीं खाया जाता। उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि आप रूम में एक बार कम से कम दूध, अंडे, दही, कुछ इस तरह की चीज़ें, या सेब, केले और इस तरह के जो फ्रूट्स हैं, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो। अगली चीज़ जो आपकी ट्रिप को बहुत सस्ता बना सकती है वो है अवॉइडिंग म्यूज़ियम्स। अब प्लीज़ म्यूज़ियम में मत जाओ। पास्ट की जो मेरी यूरोप ट्रिप्स थी उनमें, क्योंकि हम सर्च करते हैं कि कौन कौन सी जगह यहाँ देखने की हैं, तो क्या है सर्च रिजल्ट्स में म्यूज़ियम ज़रूर बताते हैं, जैसे कि पेरिस में लूवर म्यूज़ियम है, या एम्स्टरडेम में वैन गॉग म्यूज़ियम, एन फ्रैंक हाउस और ना जाने कितने म्यूज़ियम। कई सिटीज़ में तो बेशुमार मात्रा में म्यूज़ियम है, जैसे फ्लोरेंस में, पेरिस में, एम्स्टरडेम में। तो जाते रहो इनमें, भले ही इनका पास हो कि एक पास लेकर आप बहुत सारे या लगभग सारे म्यूज़ियम में जा सको, लेकिन पहले तो वो पास महंगे आते हैं। फिर उन पास की वैल्यू को यूटिलाइज करने के लिए आपको सारे म्यूज़ियम्स में या बहुत सारे में जाना पड़ेगा। तो ये मत सोचो कि सिर्फ पैसा जा रहा है, बहुत ही कीमती टाइम जा रहा है। आप उन साइट्स में पैसे लगाओ जहाँ से आपको व्यूज़ दिखते हैं, जैसे आप रोमन कॉलोजियम के अंदर जाओ, एफिल टावर एक साइट है, उसको वो म्यूज़ियम नहीं है, उसके टॉप से आपको बढ़िया व्यूज़ दिखेंगे। वेनिस जा रहे हो तो कैंपेनिले बेल टावर है, उसके टॉप से अच्छे व्यूज़ दिखेंगे। तो आप व्यूज़ पे फोकस करो, म्यूज़ियम्स के अंदर जाके कुछ हासिल नहीं होता। सही बता रहा हूँ, किसी को समझ नहीं आती आर्ट, ना मुझे आती ना ही आपको आने वाली। आप सिर्फ अपना पैसा और टाइम खोओगे म्यूज़ियम्स के अंदर जाके, अवॉइड करने चाहिए। और इस तरह की जो असली मज़ा क्या है यूरोप का, देखो इस तरह के ब्यूटीफुल फसाड्स वाले घर, ये है असली ब्यूटी यूरोप की, और इनको देखना भी एकदम फ्री है, फ्री, एक भी पैसा नहीं लगता है इसका। इसको देखो भाई, म्यूज़ियमों में कुछ नहीं रखा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया कौन से ब्यूटीफुल हैं, और वहाँ पे वॉक करने और वॉकिंग टूर्स लेने की कोशिश करो। यूरोप ट्रिप को सस्ता बनाने के लिए मेरी अगली एडवाइस है ट्रेवल लाइट। देखो जब इंडिया से आप यूरोप आ रहे होते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हो, मन करता है कि बहुत अच्छे अच्छे कपड़े रख लें, बहुत सारी चीज़ें रख लें जो खाने पीने के काम आएंगी, और हर चीज़ अपना थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाती रहती है, एंड यू टेंड टू ओवरपैक, और हर चीज़ मिल मिल के बहुत बोझ बैठ जाता है। शुरू में आप सोचोगे कि कम ले जा रहे हैं, लेकिन जब तोलोगे तो पता चला 30 किलो हो गया। तो एक तो इतने भारी सामान को उठाना बड़ा मुश्किल, और दूसरा जब आप फ्लाइट पकड़ने के लिए जाओगे यूरोप आने के लिए, तो जो आपका एयरलाइन का बोर्डिंग पॉइंट होता है जहाँ पे वो आपको बोर्डिंग पास देते हैं, तो वहाँ पे एक लिमिट होती है, 23 kg तक ही फ्री है, इसके बाद हर एक केजी का आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ आ रहा था तो मेरा 28 किलो था, 5 किलो एक्स्ट्रा, तो मुझसे एयर इंडिया वाले 8,500 रुपये ले रहे थे, और यूरोप आके भी वो बोझ रहता बल्कि बढ़ता, और यहाँ पे भी मैं फ़्लाइट या कुछ भी फ्लिक्स बस या कुछ भी ले रहा हूँ तो वहाँ पे भी वो कंट्रीब्यूट ही करता रहता वेट। ठीक है, तो मैं हर जगह थ्रू आउट दी जर्नी पे ही करता रहता। तो आप बिल्कुल भी फालतू पे ना करें, बहुत ही हल्का सामान लेके चलें, कोशिश करें कि 20 किलो से ज़्यादा ना ले जाओ। यूरोप की ट्रिप को सस्ता बनाने के लिए मेरी अगली इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि आप ऑफ बीट प्लेसेस विजिट करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिटी के आउटस्कर्ट्स पे रहें और वहाँ से मेन पॉपुलर सिटी में आने के लिए जहाँ होटल महंगे हैं डे ट्रिप करें, अरे बिल्कुल भी नहीं। उससे क्या है, एक तो आने जाने में बड़ा टाइम ख़राब होता है, दूसरा ये लोड रहता है, दिन भर प्रेशर रहता है कि हमें टाइम से अपने होटल में पहुँचना है जो कि दूसरे सिटी में है। मेरा वो मतलब नहीं है, मेरा मतलब है आप ऐसे ब्यूटीफुल सिटीज़ में, ऐसे ब्यूटीफुल टाउन्स और स्मॉल विलेजेस में आएँ जहाँ पे जो उतने पॉपुलर नहीं हैं। जैसे कि देखो इस जगह मैं खड़ा हूँ, ये पूरा वीडियो मैं जिस सिटी में, जिस टाउन में शूट कर रहा हूँ, इसका नाम है असीसी। क्या आपको ये पसंद नहीं आ रहा? तो दूसरी तरफ आप जा रहे हो फ्लोरेंस में, तो फ्लोरेंस में आप एक कपल का आपको 200 यूरोस पड़ेगा। ठीक है, मतलब लगभग 20,000 रुपये के आसपास पर कपल पर नाइट का स्टे। ठीक है, वेनिस में भी आपको लगभग यही प्राइस मिलेगा, और जितने भी यूरोप के पॉपुलर सिटीज़ हैं यही स्थिति है। लेकिन वही आप, जैसे ये आप देख रहे हो मेरे पीछे, ये इसका नाम है असीसी, यहाँ पे मैं 3,800 रुपीज़ पर नाइट दे रहा हूँ अकेले के। मेरा रूम थोड़ा छोटा है, लेकिन चलो अगर मैं कपल में आता, अभी तो अकेले आया हूँ, अगर कपल में आता और थोड़ा बड़ा भी अगर रूम लेता तो मुझे 6,000 में बड़े आराम से अच्छा रूम मिल जाता। इसी तरह मैं वोल्टेरा में मुझे आसानी से 6,000 रुपये में मिल रहा था। तो सोचो कहाँ तो फ्लोरेंस के 20,000, और कहाँ
उसके पास के ही फ्लोरेंस से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल टाउन्स के एक रात के 5,000 6,000। इसी तरह स्विट्ज़रलैंड, भेड़ चाल में जैसे सभी स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, वहाँ पर नाइट का कितने दे रहे हैं, 25,000 30,000। जाने से पहले सबका मन करता है, लेकिन जब होटल देखने की बारी आती है हालत ख़राब हो जाती है। जब देखते हो ना कि एक रात के सिर्फ सोने के 25-30 हज़ार देने होंगे, तो आप ज़्यादा रात नहीं रुक सकते। तो आप ऐसे प्लेसेस विजिट करें जो कि ऑफ बीट हैं, जो उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हैं, लेकिन ब्यूटी में पॉपुलर जगहों से भी ज़्यादा अच्छे हैं। मैं इस पर अलग से वीडियोस बनाऊंगा कि अलग अलग कंट्री में कौन कौन से ऑफ बीट प्लेसेस हैं। मेरा अगला एडवाइस है कि आप अकेले ट्रैवल ना करें, बल्कि फैमिली के साथ ट्रैवल करें, उससे आपको सस्ता पड़ेगा। देखो, सारे सिटीज़ में आपको हॉस्टल नहीं मिलते, आपको कई सिटीज़ में जैसे कि यहाँ असीसी में हॉस्टल नहीं मिलेगा, आपको होटल ही लेना पड़ेगा। तो होटल आपको मान लो एग्जाम्पल के लिए किसी सिटी में मान लो 8,000 का मिल रहा है अकेले का, वही आप अगर हस्बैंड वाइफ दो लोगों के लिए देख रहे हो तो आपको हो सकता है 10,000 का मिले उसी सिटी में वही होटल रूम दो लोगों के लिए। तो कहाँ तो पर पर्सन 8,000 है, और कहाँ दो लोगों का 10,000, या हो सकता है दो लोगों का भी 8,000 सेम प्राइस ही रहे। तो जब दो लोग ट्रैवल कर रहे होंगे तो एक ही कॉस्ट पर स्प्लिट हो गया ना। इसी तरह कहीं पर अगर आपको कैब करनी पड़ जाए, तो मान लो आप 4-5 लोग ट्रैवल कर रहे हो तो आप कैब कर सकते हो, फिर आपको इतना ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक कैब में आपकी पूरी फैमिली ट्रैवल कर रही होगी, तो इंडिविजुअल जो आप टिकट खरीदते हैं उसका भी तो खर्चा आता ना, तो कई जगह कॉस्ट सेविंग हो जाती है। इसी तरह फूड है, जैसे यहाँ पे पिज़्ज़ा आता है तो बहुत बड़ा होता है, अगर मान लो आप 3 लोग हो तो सिर्फ 2 पिज़्ज़ा मंगाओगे, उससे 3 लोगों का पेट भर जाएगा। 3 लोगों के लिए 2 पिज़्ज़ा एनफ है, लेकिन अगर एक आदमी है तो उसे एक पिज़्ज़ा खाना पड़ेगा, तो उसका पिज़्ज़ा बच के जाता है। तो इस तरह से छोटी छोटी बहुत सारी कॉस्ट सेविंग हो जाती हैं अगर एक से ज़्यादा आदमी ट्रैवल कर रहे हैं तो। देखिए, यूरोप सस्ता घूमने के लिए अगला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अपनी ट्रिप को लंबा रखें, एज लॉन्ग एज पॉसिबल, जितनी लंबी होगी उतना अच्छा रहेगा। उससे क्या फ़ायदे हैं, देखो मान लो आपकी ट्रिप सिर्फ एक दिन की है, वैसे कोई करता नहीं बस समझाने के लिए कह रहा हूँ, मान लो आपकी ट्रिप एक दिन की है, तो आपने इंडिया से यूरोप जाने की फ़्लाइट कराई, आने की फ़्लाइट कराई, वीज़ा का खर्चा किया, और भी बहुत सारे खर्चे किए, और मान लो कि एग्जाम्पल के लिए 1,00,000 रुपया खर्चा हो गया एग्जाम्पल के लिए, और ट्रिप कितनी रही एक दिन की, तो एक दिन का खर्चा आया 1,00,000। अब मान लो आपकी ट्रिप 2 दिन की होती तो मान लो 10,000 रुपये आपके एक दिन रहने होटल खाने इस सब में खर्च हो गए, तो 2 दिन की ट्रिप हो गई 1,10,000 की। अब मान लो आपकी ट्रिप 3 दिन की है तो 10,000 और जोड़ दो तो 1,20,000। तो जहाँ एक दिन की ट्रिप 1,00,000 एवरेज कॉस्ट था एक दिन का, तो 3 दिन की ट्रिप पे 40,000 आ गया। अब चौथे दिन का भी 10,000 जोड़ दो, अगर 4 दिन की ट्रिप है तो अब 1,30,000 हो गया। तो आपकी ट्रिप करीब 35,000 के आसपास, कुछ 37 समथिंग कुछ ऐसे हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि आप फ्लाइट का कॉस्ट, वीज़ा का कॉस्ट और बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे, ये तो आपके फिक्स हैं, चाहे आप एक दिन के लिए जाओ या अनेक दिन के लिए जाओ। तो जितना आपकी कैपेसिटी हो आप उतनी लंबी ट्रिप रखो, अब बहुत लंबी मत रख लेना। देखो, मैं आया हूँ बहुत लंबी ट्रिप पे, तो मेरे को बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, मेरी 48 दिनों की ट्रिप है, अभी तो मेरा 15 या 16 दिन चल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा फैटिक का शिकार हो रहा हूँ, बहुत थकान हो रही है, तो देखता हूँ कब तक टिक पाता हूँ, पूरी कोशिश है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी 48 दिनों के लिए आएँ, लेकिन कम से कम ये जो 6-7 दिन 8 दिन वाली ट्रिप हैं ये ना करें। अब आ रहे हो तो कम से कम 15 से 20 दिन तो रुको, उससे आपको सस्ता पड़ेगा। एक ही ट्रिप में, एक ही फ्लाइट कॉस्ट और वीज़ा कॉस्ट में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेसेस घूम लोगे। अगली टिप ये है कि जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो आप उनके वॉशरूम को ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि उसे यूज़ करने के अलग से पैसे नहीं लगते। वरना अगर आपने लंच या डिनर किया और आपने वॉशरूम यूज़ नहीं किया और थोड़ी देर बाद आपको लगता है कि यार वॉशरूम जाना है, तो पहले तो उसे ढूंढने में आप बड़ा टाइम ख़राब करोगे, और फिर जो वॉशरूम है उसे यूज़ करने का आपका 1 यूरो 2 यूरो 3 यूरो कितने भी लग सकते हैं, और वेनिस जैसे सिटीज़ में तो वॉशरूम यूज़ करना बड़ा ही महंगा होता है। मेरी अगली सजेशन है कि आप बहुत ज़्यादा यूरोज लेकर ना आएँ, ना तो कैश में ना ही कार्ड में, क्योंकि आपको एक सटीक अंदाज़ा होना चाहिए कि लगभग कितने यूरो लगेंगे। आप चाहो तो मुझसे भी पूछ सकते हो, मेरे को आइडिया है, काफ़ी घुमा हूँ, कॉल कर लेना, नंबर दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन की गई कमेंट में। हाँ, तो मान लो आप बहुत सारे यूरोज ले आए, या तो कैश में या कार्ड में, और आपके एग्जांपल के लिए 1,000 यूरोज बच गए, तो अब इंडिया आके तो वो किसी काम के नहीं हैं, तो आपको बेचने पड़ेंगे। तो देखो, जब आपने यूरोप आने से पहले ख़रीदे थे वो, तब तो जो मार्केट का प्रीवेलेंट रेट था, लाइव रेट, आपने उससे ऊपर ज़्यादा पैसे प्रीमियम देकर
महंगे में वो खरीदे थे, और अब जो बच गए अब आपको वो मार्केट रेट से कम में बेचने पड़ेंगे। ये बिल्कुल गोल्ड वाला हिसाब है कि खरीदते हो आप इसे मार्केट रेट से ऊपर और बेचते हो आप इसे मार्केट रेट से नीचे। तो इसीलिए आप एक सटीक अंदाज़ा रखें कि लगभग कितना लगने वाला है, उसका 10% 15% एक्स्ट्रा लेके आएँ, लेकिन बहुत ज़्यादा सेफ प्ले करने के चक्कर में यूरोज़ ना लाएँ। बहुत ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपका खर्चा ही फालतू का पड़ेगा। मेरी अगली सजेशन है कि आप एक यूरोप ट्रिप पे एक ही कंट्री को देखने आएँ। मतलब कि एक ट्रिप पे आप खाली या तो इटली घूमें, या खाली स्विट्ज़रलैंड घूमें, या खाली स्पेन घूमें, या खाली जर्मनी घूमें। आप ट्रिप ऑफ अ लाइफ टाइम वाला हिसाब मत रखो कि ज़िंदगी में बस एक ही बार आना है तो इस बार ही सब कुछ देख लेना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपका कंट्री बस एक ही होगा तो कंट्रियाँ छोटे छोटे, तो आपको एक सिटी से दूसरे सिटी जाने के लिए या तो ढेर सारी बस मिल जाएंगी सस्ती सी, या ट्रेन जाती हैं, अच्छा यहाँ पे नेटवर्क है ट्रेन्स का, तो ट्रेन आपकी सस्ती, बस ले रहे हो तो बस सस्ती, और वही आप अगर जंप कर रहे हो कंट्री टू कंट्री ऑल ओवर योर स्मॉल ट्रिप। तो जैसे मान लो आप रोम से पेरिस जा रहे हो, तो मैं भी जा रहा हूँ, लेकिन मैं पहले पूरा 40 दिन इटली घूमने के बाद पेरिस जा रहा हूँ। आप शायद 15 दिन की ट्रिप में ही चार पाँच बड़े बड़े जंप मार दो। तो मैंने रोम से पेरिस की फ़्लाइट कराई है, वो मुझे 22,000 की पड़ी, और करीब मैंने 70 दिन पहले कराई थी, और जब मैंने कराई उसके 7 दिन बाद देखा तो वही मुझे 34,000 की दिख रही थी। अब दूसरी तरफ इसे कंपेयर करो, जैसे कि सीएना से मैं यहाँ असीसी आया हूँ, तो यहाँ आने का बस का जो किराया है वो 12 यूरो है, मतलब 1,000 रुपये। तो जब आप एक ही कंट्री में ट्रैवल कर रहे होते हो तो सिटी टू सिटी जाना 1,000, 1,200, 2,000, 2,500 का होता है, जबकि जब आप पूरे कॉन्टिनेंट में, पूरे यूरोप में जंप कर रहे होते हो तो हर सिटी चेंज करना आपका बहुत बहुत महंगा बैठता है, और जितने ज़्यादा लोग उतना उसे मल्टीप्लाई करते जाओ उस नंबर को। और आखिरी सजेशन ये है कि जो कंट्रीज सबसे ज़्यादा महंगे हैं, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, अगर उतना ज़्यादा मन नहीं है तो उन्हें अवॉइड करें, और सस्ते जो कंट्रीज़ हैं या जो मीडियम लेवल के महंगे कंट्रीज़ हैं उनमें जाना प्लान करें। जैसे ईस्टर्न यूरोप सस्ता है, इसके अलावा जो आप ये महा ब्यूटीफुल इटली आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये मीडियम लेवल का महंगा है। कुछ सिटीज़ जैसे वेनिस, फ्लोरेंस, ये महंगे हैं, तो कई सिटीज़ बहुत सस्ते भी हैं, स्पेशली ऑफ बीट जो प्लेसेस हैं जो भी उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। इस वाले वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है मेरी, बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो रिवॉर्डेड फील करूँगा। अगर आपको शेंगेन वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन करवानी है मुझसे, तो मुझसे करवा सकते हैं। बहुत लोगों के शेंगेन वीज़ा लगवा चुका हूँ, चैनल इस यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पेज पर आप जाके चेक भी कर सकते हो। और अगर कैसे यूरोप के अलग अलग सिटीज़ में घूमना है, ये गाइडेंस आपको मुझसे चाहिए, तो आप मुझे कॉल कर लेना, ये काम भी मैं करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी वेरी एंड।